हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्थ बेबी। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले अल्ट्रासाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मेरे वाइफ का जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उस रिपोर्ट को आपके साथ पढ़कर साझा करना चाहता हूँ कि क्या क्या उसमें रिपोर्ट में हमें मिलता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं अपनी वाइफ का जो सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा था उस समय टारगेट स्कैन कराया था, जिसका रिपोर्ट मेरे पास है। उसको अभी आप लोगों के साथ में साझा करूंगा कि उसमें क्या क्या होता है और इसे क्यों कराना चाहिए। जो जो बड़ी सोनोग्राफी जो होती है, जिसे टारगेट स्कैन कहते हैं, इसमें इसको कराने के कुछ मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि फीटस का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीक़े से हुआ है नहीं हुआ है, इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है। हम इसी उद्देश्य इस सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड को कराए थे, ताकि हमारे जो फीटस है, बच्चा है, उसको भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चलिए, अब जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको पढ़कर आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या होता है इसमें। फीटल एनोमली सोनोग्राफी, इसको टारगेट स्कैन भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, LMP, LMP का फुल फॉर्म हो जाता है लास्ट मेंसुरेशन पीरियड। यहाँ एन के लिखा है, मतलब यहाँ डेट मेंशन नहीं की गई है, बाकी हमारे द्वारा वहाँ पर डेट लिख कर दिया गया था। अब दूसरी चीज़, EDD बाई USG, USG के आधार पर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिया गया है, वो है 23 फरवरी 2023। अब फीटस की ऑब्जर्वेशन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है ए सिंगल लाइव फीटस इज विजुअलाइज्ड इन वर्टेक्स। जो फीटस सिंगल लाइफ है, मतलब एक ही बच्चा है, उसके जो पोजीशन है बताया गया है वो वर्टेक्स विजुलाइज हुआ है। मतलब वर्टेक्स जो पोजीशन होता है वह फेवरेबल पोजीशन होती है किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये वर्टेक्स जो पोजीशन होता है वो अच्छा होता है। अब स्पॉन्टेनियस फीटल मूवमेंट आर सीन, इसका मतलब हो जाता है कि जो फीटल का जो मूवमेंट है वो सहज रूप से वहाँ पर वह मूवमेंट कर पा रहा है। फीटल एनोमली सर्वे की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ बॉडी ऑर्गन्स का सर्वे किया जा रहेगा, जैसे कि हेड। अब हेड के बारे में क्या बताया गया है कि फीटल स्कल शेप इज नॉर्मल, जो फीटल का जो स्कल शेप है वह नॉर्मल है इन साइज एंड शेप। बोथ लेटरल वेंट्रिकल अपीयर नॉर्मल, दोनों तरफ की वेंट्रिकल जो होती हैं वह नॉर्मल कंडीशन में हैं। एंड बोथ कैरोटिड फ्लेक्सेस अपीयर, दोनों तरफ की कैरोटिड जो फ्लेक्सेस होती हैं वो भी नॉर्मल कंडीशन में हैं। मिड लाइन फैक्स थैलेमी अपीयर नॉर्मल, अब यहाँ पे दिया है पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर अपीयर नॉर्मल। अब इसमें देखते हैं फेस, फेस में क्या क्या बताया जा रहा है। फीटल फेस वाज विजुलाइज्ड इन प्रोफाइल, मतलब जो प्रोफाइल है, जो उसका फीटल का जो फेस है वो विजुलाइज हो रहा है, अच्छा सा दिख रहा है, अच्छे से फेस का डेवलपमेंट हो चुका है। एंड कॉरोनल स्कैन्स बोथ आई बाल, बच्चे के जो आई बाल होते हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो गए हैं। नोज, नोज मतलब नाक, नाक का भी डेवलपमेंट हो गया है। लिप्स अपीयर नॉर्मल, जो नेजल बोन जो होता है उसका भी डेवलपमेंट हो चुका है। एंड प्री मैक्सिलरी ट्राइंगल वेयर वेल विजुलाइज, मतलब ये भी जो नेजल बोन है एंड प्री मैक्सिलरी ट्राइंगल जो बोन होती हैं वो बहुत अच्छे से विजुलाइज हो रहे हैं, उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो चुका है।
अब थॉरेक्स की बात कर रहे हैं, थॉरेक्स में क्या क्या होता है, ये नॉर्मल कार्डियक साइनस एंड पोजीशन, फोर चैम्बर मतलब चार चैम्बरों का डेवलपमेंट अच्छे से हो गया है, एंड उसमें क्या देखा जाता है, आउटफ्लो ट्रैक भी उसका भी डेवलपमेंट हो गया है, वो भी अपीयर नॉर्मल, एंड लंग्स शो नॉर्मल, लंग्स जो हमारे फेफड़े जो होते हैं उनका भी शेप एंड साइज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है, उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो गया है, अच्छे से सीन हो रहे हैं, नो एविडेंस ऑफ प्लूरल पेरिकार्डियल, मतलब जो लंग्स के जो एरिया भाग जो भाग होता है प्लूरल एंड पेरिकार्डियल जो आवरण होता है उनमें किसी प्रकार की कोई संक्रमण नहीं देखा गया है, नो सॉल सीन इन थॉरेक्स। अब यहाँ पी एच आर लिखा है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, एफ एच आर हो जा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट कितना है, 149 BPM। एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, फीटल स्टोमक बबल इज सीन इट नॉर्मल लोकेशन, जो स्टोमक का जो लोकेशन होता है वहाँ पर अच्छे से उसका विजुलाइज हो पा रहा है, लेफ्ट अपर एब्डोमन का देखा गया है, और एब्डोमन साइनस इज अपियर नॉर्मल, अंटीरियर एब्डोमन वाल अपियर इंटैक्ट, फीटल स्टोमक एंड बोवेल लूप्स अपियर नॉर्मल, नो एसाइटिस, इसमें किसी प्रकार की एसाइटिस नहीं पाई गई है, जो फीटल है उसका एब्डोमन का जो डेवलपमेंट हुआ है प्रॉपर तरीके से अच्छे से हुआ है, और यूरिनरी ट्रैक में क्या है, बोथ फीटल किडनी इज नॉर्मल इन साइज, मतलब बच्चे का जो फीटल का जो किडनी है उनका जो शेप है बिल्कुल नॉर्मल साइज में पाई गई है, देखा गया है, यूरिनरी ब्लडर अपीयर नॉर्मल, यूरिनरी जो ब्लाडर है जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है उसको यूरिनरी ब्लाडर कहते हैं, उसका भी साइज क्या है बिल्कुल एक्यूरेट है। लिम्फ की बात कर रहे हैं, फीटल एक्सट्रीमिटीज टू द एक्सटेंड सीन अपीयर नॉर्मल, ये फर्स्ट पेज हो जाता है। अब सेकंड पेज की बात कर रहे हैं, सेकंड पेज में क्या है, फीटल बायोमेट्री के बारे में बताया जाता है, फीटल बायोमेट्री क्या होता है देखते हैं, बीपीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बाई पैराइटल डायमीटर। अब ये जो भी यहाँ पे मेजर जो कैलकुलेशन किया गया है वो 5.58 सेंटीमीटर, इन सारी चीज़ों को मैं नहीं बताऊँगा, जैसे एच सी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हेड सरकमटेंस हो जाता है, और ओ एफ डी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर हो जाता है, और ओ ओ डी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आउटर ऑर्बिटल डायमीटर, आई ओ डी का इंटर ऑर्बिटल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डायमीटर भी कह सकते हैं, और ए सी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एब्डोमिनल सरकमटेंस, और एच एल हो जाता है ह्यूमरस लेंथ, और यू एल का क्या हो जाएगा, अल्ना लेंथ हो जाएगा, और टीबिया TIB मतलब टीबिया, FIV मतलब फिबुला, रेडियस, और FL ये फीमर लेंथ हो जाता है, CM हो जाता है, और सेरेबेलम का जो साइज होता है 2.10 सेंटीमीटर है, MGA एट प्रेजेंट सीन इज 20 BPM, मतलब जो इस समय की जो सोनोग्राफी जो समय अवधि कह सकते हैं वो 23 वीक्स का है, और एस्टिमेट फीटल वेट की बात कर रहे हैं, 553 ग्राम, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, प्लस माइनस में रहता है,
अब एमनियोटिक फ्लूड की बात कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूड की क्वांटिटी क्या है, एडिक्यूट है। एडिक्यूट मतलब यदि जहाँ पे सोनोग्राफी में लिखा रहता है, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूड की जो मात्रा है वो नॉर्मल है, AFI एमनियोटिक फ्लूड ये 12 सेंटीमीटर है नॉर्मल होती है। और प्लेसेंटा का जो पोजीशन होता है तो वैसे तो 4 तरह से होती है, लेकिन प्लेसेंटा हमारी जो सोनोग्राफी में जो है, प्लेसेंटा इज फंडो पोस्टीरियर, प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो फंडो की ऊपर की तरफ पोस्टीरियर भाग में है। अब इसका ग्रेड क्या है, सेकंड ग्रेड में शो हो रहा है, मैच्योरेशन मतलब क्या हो जाता है, परिपक्व अवस्था में है। अब इंटरनल OS इज क्लोज्ड, सर्वाई का लेंथ 3 सेंटीमीटर अपीयर नॉर्मल है। अब इसकी इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं, इम्प्रेशन में क्या होता है कि जो ओवरऑल जो रिजल्ट होता है उस चीज़ को यहाँ पे शो अप किया जाता है। तो सिंगल लाइव वर्टेक्स इंट्रायूटेरिन फीटस सीन है विथ 23 वीक्स। अब यदि आप टारगेट स्कैन कराते हैं तो इस तरह से आपको छायाचित्र डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा, देख लीजिए इस तरह से रहेगा। ये यहाँ FL फीमर लेंथ बताया गया है, यहाँ पर ये BPD मतलब बाईपैराइटल डायमीटर, AC यहाँ एब्डोमन को बस शो अप किया गया है, यहाँ पर जे FHR मतलब फीटल हार्ट रेट को शो अप किया जा रहा है। फीटल हार्ट कितना था, 149 BPM आपको बताया था मैंने। UV मतलब क्या हो जाता है, और यहाँ पे HL है, HL का क्या है, ह्यूमरस लेंथ हो जाता है। यहाँ पर जो अच्छे से नहीं दिख रहा है ये TF दिखा रहा है, यहाँ फोट है। TBF का मतलब क्या हो जाता है, TVF फिबुला हो जाएगा, ये देख लीजिए। अब सेकंड तरफ मैं जाता हूँ, यहाँ पर फेस को यहाँ पे विजुलाइज किया गया है। सेकंड में यहाँ अपर स्पाइन और लोअर स्पाइन के बारे में दिया गया है, ये देख लीजिए आप लोग भी। यहाँ लास्ट में इस तरह से एक रिपोर्ट कार्ड शो अप किया जाता है कि BPD SC OPD ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन हुई गई है, तो यहाँ पर भी इस चीज़ को देखा जाता है। ये 2D कैलकुलेशन के आधार पर दिया गया है। दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप यदि पुराने हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और यदि इस चैनल में जो नए आ रहे हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा।